guys, so yo, what's up YouTube, welcome back to our channel and bhai after I don't know how many days, it's been very long. Mujhe aisa lagta hai ki yaar jab bhi main is channel pe video banane baithta hu to bahut samay ho jata hai, but I swear I love making these videos. Mujhe bahut maza aata hai yahan par baith ke memes pe react karne mein. Piche kuch conditions ho gayi thi, agar aapne vlogs nahi dekhe hamare to dekh lena. Hum Ivo health camp mein gaye the 7 din family ke sath and wahan par thodi papa ki tabiyat kharab ho gayi thi, but now all is well. I am back and ab se regular videos, I hope regular videos. I know aap log bhi regular videos ka इंतजार करते हो. पता है भाई, जब से मतलब मैं गया हूं अरब में, आया हूं ना, इतना कुछ हो चुका है इन दिनों में कि अब मुझे ऐसा लगता है ब्रो आई हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ स्टफ. कितना सारा कंटेंट था जिस पे मैं वीडियोस बना सकता था, रिएक्ट कर सकता था. जिस चीज पे मैं रिएक्ट करने का सोचता हूं तो उसी चीज का कुछ और हो जाता है, तो फिर मैं रिएक्ट नहीं कर पाता. तो भाई अब ना आई एम बैक. अब मैं कुछ भी डाटा मिस नहीं करना चाहता. सबसे पहले बहुत ही बड़ा सिचुएशन हुआ था दो इन्फ्लुएंसर्स के बीच में, जो है राजवीर सिंह सिसोदिया और रजत दलाल. आई होप मैं दोनों का नाम सही ले रहा हूँ, क्योंकि लफड़ा खत्म हो गया तो मैंने दोनों को अनफॉलो कर दिया ना भाई. मतलब उनकी इतनी ज्यादा मारपीट कुटाई हो गई थी बातों बातों में, लड़नों में तो उन्होंने साला पेन फाइट तक नहीं करा. तो जिसको नहीं पता कहानी बता देता हूँ. तो दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन दोनों की आपस में कोई लड़ाई हो गई, कलेश हो गया, वो उसको मारने पहुंच गया, वो उसको मारने पहुंच गया, मारने कोई नहीं आया, बस पता नहीं हम सबका उल्लू बन गया. तो आओ आज की वीडियो में मीम्स देखते हैं और देखते हैं कैसे दो लोग लड़ते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, एंड में ऑडियंस को लड़ाई नहीं सिर्फ कॉम्प्रोमाइज मिलता है. तो देखते हैं सीन्स एट बहादुरगढ़. सो बेसिकली लड़ाई दोनों ने बोला था हम डिसाइड करते हैं कि बहादुरगढ़ आके लड़ेंगे, तो उस पे सीन दिखा रहे हैं. गेम स्टार्ट करते हैं. रजत जी रूल्स बता देता हूँ, तू नीचे गिरा तो तेरे दो आदमी मारे जाएंगे और अगर मैं गिरा तो मेरे दो आदमी मारे जाएंगे. हम दोनों के बीच एक ही बचेगा और वही होगा डॉन नंबर वन. चल. ओह माय गॉड, डॉन नंबर वन की लड़ाई. जाधव को ले जाइए. भाई तुम्हारे को एक बात बता दूं, मैं तुम्हें बहुत फैक्ट बात बता रहा हूँ. कहीं तुम बोल रहे हो अरे भाई ये तो बहुत बड़ा गुंडा है, तो भाई उससे भी बड़ा कोई है और उससे भी बड़ा कोई है. सबसे ऊपर तो पुलिस ही है भाई, तो इस चीज को याद रखना. ये सारी बातें कि अरे मैं तो तेरा गला कर दूंगा, अरे मैं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, अरे मैं तो तेरा ये कर दूंगा, ये सिर्फ बाटों बाटों में ही अच्छा लगता है भाई. इन सबको समझना चाहिए कि मतलब इतने सारे इन्फ्लुएंसर है, इतने लोग इनको फॉलो करते हैं, कितने लोग इनको देख रहे हैं, तो अगर ये इम्पैक्ट अगर सोसाइटी पे क्रिएट होगा तो वो अच्छी बात नहीं है. उनको अच्छे से इन्फ्लुएंस करना चाहिए. ऑब्वियसली चलो जो हुआ हुआ, उस चीज को उनको माफ कर देना चाहिए, बट आगे उनको ये फोकस करना चाहिए कि भाई अब हमारे पास इतनी फैन फॉलोइंग है, तो हाउ टू वी क्रिएट गुड इंपैक्ट इन द सोसाइटी. और गुड इंपैक्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लड़ाइयां ना करो, पीसफुल रखो, बस दैट्स माय इक्वेशन. और बहुत लोग आते हैं मुझे बोलते हैं अरे फुकरा भाई ये हो रहा है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? अरे फुकरा भाई ये हो रहा है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? भाई लड़ाई में, गाली गलोच में, कलेशों में अपना भाई कोई ओपिनियन नहीं है भाई. हम दूर से रहे, अगर हमारे सामने रील आ जाती है तो हम देख लेते हैं सर्च करके, हम देख रहे कि भाई कौन किससे लड़ रहा है, क्योंकि सही बता रहा हूं ये सिर्फ मेंटली आप अपने आप को हरास कर रहे हो और मेंटली आप अपने आप को ना परेशान कर रहे हो ये देख देख के कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसके साथ तू तू मैं कर रहा है. तो आई एम सॉरी बट आई लाइक पीस, आई लाइक लव, आई डोंट लाइक टू क्रिएट वॉर. चैलेंज इज एक्सेप्टेड बाय बोथ. अच्छा मुझे बताओ ये दोनों इन्फ्लुएंसर्स लड़ रहे हैं, कहीं किसी के साथ कुछ गलत मिस हैपनिंग हो जाए कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा? ये सारे जितने इनके यार दोस्त है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? नहीं लेंगे भाई, सब भाग जाएंगे, एंड में सिर्फ परिवार ही काम आएगा. तुम अपने फैमिली के लिए तो सोचो भाई, लड़ाई लड़ाई माफ करो, प्यार बांटो, भाईचारा. जेनुअन इनकी तो रॉयल रंबल होने वाली थी भाई, 50 बंदे इधर 50 बंदे उधर, ले बेटे मौज. चाहे 100 में मिलियन क्यों ना हो जाए, पढ़ाई तो पढ़ाई है सबसे सबसे ऊपर पढ़ाई नहीं, सबसे नीचे है पढ़ाई. कुनाली भी लाइक मैं गिरा होया इंसान जमा नीचे बल्ली है. हाय सीएफओ मेहता. अमीर आदमी देखा नहीं कि अनंत अंबानी की एक एक घड़ी भाई एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो करोड़ की है, कि मार्क ज़करबर्ग भी देख के कह रहा है भाई ये क्या पहन रखा है, शायद मैं एक दो करोड़ तो कम हो रहा हूँ, मैंने एक देखी थी 50 करोड़ की घड़ी. मैं कहा हेलो व्हाट इट इज, मेरी तो 250 की है लेकिन टाइम वही बता थी. इंडिया का सबसे अमीर आदमी भाई, वो कुछ भी कर सकता है. अच्छा दबा के खा. अच्छा आई गेट इट, सेक्शन सी वर्सेस सेक्शन डी, वेरी बैड फाइट्स. मैच्योरिटी हमारे साथ खेलना चाहता है. किसी का गिर गया है, इतने सारे पैसे
अच्छा नैनी, मैं बाद में मिलता हूँ। मैं गिरा हुआ जमा नीच बल्लिए, नहीं रीच बल्लिए। नाइस, बहुत पहले ही हो गई थी शादी टप्पू और बबीता जी की। ओके, सो बेसिकली अभी रूमर्स ये बहुत निकल रहे थे। देखो तुम्हारा भाई अप टू डेट है, बहुत चीजों पे वीडियो बनानी थी पर शिट मैन में बना नहीं पाया। तो सबसे बड़ा रूमर ये था कि जो हमारे टप्पू जी है राज नड़कट, मोस्ट प्रोबेबली यही नाम है, वो भाई की शादी हो गई है मुनमुन दत्ता से। एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट इट इज 25 ईयर ओल्ड एंड 35 ईयर ओल्ड। बट ठीक है, फिर मलाइका शेरावत और अर्जुन कपूर देख के मैंने कहा इनकी भी हो गई होगी, बट भाई ने क्लियर कर दिया कि दीज आर जस्ट रूमर्स। बट आई डोंट नो कि दीज आर स्टिल रूमर्स और नॉट, बट अगर तुम्हें पता है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। भाई आए नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो आपका मान सम्मान, आप हमारे मेहमान, थोड़े बहुत भाई हैं बाकी आ जाएंगे, जैसे ही कर लेना, जैसे टर्म्स करने हो प्यार से, भाईचारे से या कैसे ही बता दो, कहाना है हम आते, बात खत्म करो। An Bro, exercise that nothing. A psychologist taught me. Just name three animals. Okay. A tiger, a horse, and a dog. Okay. So I don't know how true this is, but they say that the first one is what you like to show yourself as to the world, which is a tiger. The second one is how the world perceives you. And the third one is what you are actually on the inside. पॉडकास्ट पे बुला के कुत्ता बोल दिया इनडायरेक्टली। ओनली बियर बाइसेप्स कैन डू दिस। एक सेलिब्रिटी को पॉडकास्ट पे बुला के कुत्ता बोल दिया, इतना दम कौन रख सकता है? ओनली बियर बाइसेप्स। ओपी मैन, ओपी मैन बी लाइक लाइफ गोल्स छोड़ो, रजत भाई की लाइव है 3 मिनट में, तो जाके वो देख लेता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी रजत भाई की मेरे से कभी उनको गुस्सा चढ़े या उनको लड़ाई करनी हो तो बस वो अर्पित बाला वाला मीम देखना। भाई भाई मुझसे गलती हो गई, भाई भाई मुझे नहीं लड़ना, भाई भाई आई एम सॉरी, भाई मेरे से गलती हो भाई, कोई वो ही नहीं है, पुलिस वुलिस का डर नहीं, फिर डर तो है सॉरी, वो बाद में पुलिस ने जब वीडियो बनाई तो भाई ने सॉरी बोल दिया सबको। पुलिस ओपी भाई, यस इंडियन पुलिस, पुलिस भी लाइक गुंडा तो एक ही है हम। मम्मी आपने खाना बना दिया क्या? नहीं। क्यों? मेरे सर दर्द हो रहा है। और चलाओ फोन। ये था उनो रिवर्स। भाई ये क्या कर रहा है? भाई गुरुजी ने बोला बेंच प्रेस कर लिए। बहुत सही बेंच प्रेस है भाई, लड़के भाई पढ़ाई करो वो सबसे बेस्ट है, लड़ाई बड़ाई में कुछ नहीं। मेरा तो हमेशा ही पढ़ाई से भी कुछ नहीं होता आजकल। वैसे लोग ये बोलते हैं पढ़ाई से कुछ नहीं होता, ये मीम बनाने के लिए बहुत अच्छा है, बट मेरी जान पढ़ाई करोगे ना तो एक एजुकेटेड पर्सन और एक अनएजुकेटेड पर्सन में डिफरेंस बहुत इजीली पता चल जाता है। तो अगर जिंदगी में आप बड़े हो जाओ और कोई आप नहीं चाहते कि लोग देख के बोले अबे यार ये तो गवार छपरी है, तो पढ़ लो, पढ़ लिख के कुछ और कर लो, बट अनएजुकेटेड ना रहो, गो फॉर एजुकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड्स। ट्रैवलर लेवल 10,000, ओ माई गॉड। भाई ये मैंने टोपी उतार दी, अब मैं क्या लग रहा हूँ? कुछ भी नहीं भाई, बदलते रहता है, उलट पुलट चलता है। These days my search bar भैया, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी झूला है क्या शीशा वाला महाराज, जो समझो भाई। पर मैं एक बात बोलूं, अगर रजत भाई एक्चुअल लड़ाई नहीं थी, सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, यू क्रैक्ड इट भाई की 2.5-3 लाख की लाइव वॉचिंग आ रही थी भाई। 2.5-3 लाख की लाइव वॉचिंग बहुत होती है भाई, लोग बिग बॉस में जब निकल के बाहर आते ना तब भी आज बहुत लोगों की नहीं आती 2.5-3 लाख वॉचिंग। सोचो कि किस लेवल पे लोग सर्च कर रहे थे, कितना वो चुलती की लड़ाई हो जाए एक बार। और भगवान कसम जब समझौता हुआ ना तो मैं एक्चुअल कॉमेंट सेक्शन में गया तो लोग लिख रहे थे अरे भाई प्लीज भाई भाई पेन फाइट तो कर लो, भाई करो ना भाई थोड़ी तो। Hashtag proud Anjalians, I swear to God, Anjalians are OP, Anjalians ही एक रीजन है कि सारी लड़ाइयाँ सॉल्व हो गई है, Anjalians ही रीजन है कि इस देश में शांति है, Anjalians ही एक रीजन है कि प्रलय आने वाला है। कौन सी लड़ाई शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, भगवान कसम अब देख के मुझे ऐसा लगता है कि एक्सक्यूज मी वॉज इट ऑल स्क्रिप्टेड, क्या चल रहा है जिंदगी में। बट इन दी एंड आई रियलाइज की सुपर पावर तो एक ही है, इंडिया में एवरीवन बिकम्स Anjalians, वी आर प्राउड Anjalians। Only one gang in this world that is OP man, Anjalians. Hey,
गूगल मैप्स भाई सोचो गाड़ी चल रही है और भाई गूगल मैप छोड़ के रजत दलाल लाइव देख रहा है। प्योरेस्ट एग्जांपल ऑफ जैसा गुरु वैसा चेला भाई विराट कोहली डुप्लीकेट। बॉयज आर नॉट दैट चिल वी एज गर्ल्स आर। मीनवाइल बॉयज बी लाइक ज्यादा ही चिल हो गया भाई। एक बाप का सपना आखिर उसका बेटा ही तो पूरा करता है। मुनमुन दत्त एंड राजन अर्कट एंगेज्ड। देन नाउ ओ आई स्वेयर ये फोटो देख के मुझे कोई और याद आ रहा है। रिसेंटली मैंने अपने पांडा गैंग पे एक फोटो शेयर करी थी। ये फोटो बिल्कुल वैसी लग रही है जो इंस्टाग्राम पे पांडा गैंग पे है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप नहीं हो पांडा गैंग पे तो जाके ज्वाइन कर लो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस। आई लव यू ऑल।